नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पलपल न्यूज। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को जांच के लिए और उसमें अधिक सुधार लाने के लिए एक अनूठा कदम उठाया है, जिसके तहत छात्रों द्वारा गुणवत्ता जांच के लिए सैंपल एकत्र किए जाएंगे और उसकी जांच के बाद गुणवत्ता स्तर पर सुधार किया जाएगा। सैंपल एकत्र करने का कार्य 1 जुलाई 2018 से आरम्भ हो जाएगा। यह जानकारी सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मनदीप सिंह बराड़ ने विभाग के अधिकारियों तथा जयप्रकाश मुकंदलाल इनोवेटिव इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन के निर्देशक के साथ बैठक के उपरांत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समय समय पर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की कुछ न कुछ खामियां और शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने एक अनूठा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इस नई पहल के तहत प्रदेश में लगभग अलग अलग स्थानों पर विपणन बोर्ड द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी के लिए छात्र एवं अध्यापक दोनों मिलकर के सैंपल एकत्र करेंगे और इन सैंपलों की जांच लैब में करवा करके रिपोर्ट सीधी सरकार तक पहुंचाएंगे। यह कार्य JMIITI द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। उन्होंने कहा है यह कार्य गुणवत्ता लाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए बहुत ही नितंत आवश्यक है। सैंपल इकट्ठा करने के लिए SC JEE और SDO की मौजूदगी में यह कार्य होगा और सैंपल एकत्र करते समय वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इस दौरान छात्रों से विभाग का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक और छात्र इन छात्रों से कोई संपर्क नहीं करेगा। यदि किसी अधिकारी व कर्मचारी ने सैंपलिंग के कार्य में बाधा डालने या उनके कार्य को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विपणन बोर्ड के लगभग 610 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं। इन सभी कार्यों की जांच में कोई न कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए।